वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरजादा एंड यू आर वॉचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो पर, दैट इज बीस्ट। बीस्ट इज बैक और इसका जो बेसिकली ट्रेलर है वो आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये थलापति का जो ट्रेलर है, इसमें बेसिकली थलापति विजय सर है बीस्ट में, एज अ सोल्जर हमें देखने को मिल रहे हैं। और काफ़ी ज़बरदस्त दिखने में तो काफ़ी थ्रिलिंग हो रहा है, जैसे हमें धुआं दिख रहा है, इसमें आग दिख रही है। और दूसरा जो है वो थलापति सर के हाथ में एक गन है, तो इट्स मीन के इससे फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा फाइटिंग वाली होगी, एक्शन मूवी होगी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो बिना देरी किए चलते हैं, इस ट्रेलर को देखते हैं और देखते हैं कि क्या नया लेकर आए हैं थलापति सर जी अपनी इस बीस्ट में, और देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स। காலையில் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கேன், திடீர்னு 10:30 மணிக்கு ஒரு ஃபோன். மிஸ்டர் மாதவ் சார், this is to inform you that the east coast mall in Chennai has been hijacked. இதோட கடுப்பாறு விஷயம் என்ன தெரியுமா, இதுல டெரரிஸ்டுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் நடுவில் நான் தான் பஞ்சாயத்து பண்ணுமா? இதோட பழைய பில்டிங் கிடைக்கலையா, தும்முனா இடிஞ்சு விழுந்துரும் போல இருக்கு. இல்ல, எமர்ஜென்சி ஆபரேஷன் சொன்னாங்க சார். சொன்னாங்களா உன்கிட்ட? ஆனா இந்த பேட் டைம்லயும் ஒரு குட் நியூஸ் இருக்கு. ஹைஜாக் பண்ணப்போ உள்ள ஆக்சிடென்ட்ல நம்ம பையன் ஒருத்தன் வந்திருக்கான். நம்ம பையன் உடனே சாதாரணமா நினைச்சிடாதீங்க. ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் the most notorious spies we have ever had. Veera Raghavan. இருக்கும்போது மால ஹைஜாக் பண்ணா என்ன ஆகும்? அப்ப வீரா உள்ள அந்த டெரரிஸ்டுங்களை எப்படி ஓட விட்டுருப்பான்? பயமா இருக்கா? இதுக்கப்புறம் இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும். விளையாட்டியன் में बीस्ट अमेजिंग यार, बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर था, ऑसम। थलापति विजय सर जो है फाइनली वंस अगेन बैक और एक जबरदस्त वीडियो के साथ, मूवी के साथ, ट्रेलर के साथ। ओह माय गॉड, 13 अप्रैल को धूम मचने वाली है ऑन सिनेमा, मतलब मजा आने वाला है, बहुत इंजॉय करने वाले हैं। खैर, एक इनका एक डायलॉग बहुत ही जबरदस्त था, वो ये था कि आई एम नॉट अ पॉलिटिक्स, I am a soldier। मतलब कि ये लाइन बहुत ज़बरदस्त थी, ऑसम। और ना इसमें मुझे जो करेक्टर दिख रहा है ना थलापति सर का, जो है ना वो एक सोल्जर के तौर पे नज़र आ रहा है। बाकी ये एक मिशन के ऊपर वीडियो बनाई गई है, मतलब मूवी बनाई गई है, और इस मूवी के ऊपर जो है ना वो टेररिज्म के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं।
और ये हाईजैक का भी शायद कोई प्लान वगैरह हाईजैक करने का सिनेरियो है कुछ इस टाइप का, तो मुझे मतलब इस टाइप की स्टोरी लग रही है। अब आपको क्या लग रही है ये तो आप लोग ही बताएंगे कि क्या स्टोरी है। एक्चुअली मुझे जो लग रहा है ना, और ये बिल्कुल एक्शन है और बिल्कुल फाइटिंग वाली और इस टाइप की है, और इसमें कोई वो मतलब वैसा नहीं है जो हम सोचते हैं कि ऑल इन वन हो, लाइक इसमें जो है वो जो मुझे फील हुआ इसमें एक्शन लग रहा है ज़्यादातर और फाइट लग रही है। और एज़ यूजुअल तालापति सर जो है वो हमेशा ही कुछ ना कुछ डिफरेंट लेकर आते हैं और अपने एक्टिंग से जो है वो लोगों को दीवाना बना देते हैं, नो डाउट यार, बहुत ही अमेजिंग। और स्टार्ट जिस तरह से हुआ और फिर उसके बाद एंड जो हुआ, ओसम ओसम अमेजिंग, मज़ा आ गया मुझे देखकर तो, लाइक बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो थलापति सर जो है ना, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। इनकी मास मूवी देख लो, वो भी बहुत ओसम थी। उसके बाद फिर इनकी और भी सारी मूवीज़ हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रही है। तो ये ट्रेलर अगेन एंड अगेन भी अगर हम देखें तो ओ माई गॉड अमेजिंग यार, बहुत ही दिल करता है देखते जाओ, इस तरह का ट्रेलर इन्होंने बनाया है। और जो है वो थलापति सर का जो है बहुत ही ज़बरदस्त एक स्वैग देखने को मिला, और म्यूजिक बहुत अच्छा था, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, वंस अगेन लाइन बहुत अच्छी थी, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम अ सोल्जर, ओ माय गॉड अमेजिंग अमेजिंग सुपर डुपर। सो खैर बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार इसमें पॉलिटिक्स वगैरह का भी शायद रोल हो सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स, टेररिज्म और सोल्जर कॉम्बाइन तो होगा, क्योंकि ये इस तरह की जो मुझे लग रही है ना केमिस्ट्री, कुछ इसी टाइप की लग रही है। तो आपको क्या लगता है ये तो आप मुझसे शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी थ्रिलिंग था, मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया मैंने इस ट्रेलर को, और थलापति सर को वंस अगेन देखना ऑन थिएटर, ऑन सिनेमा, ऑन यूट्यूब, अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, खुशी होती है उनको देखकर। सो आपको कैसा लगा ये तो आप मुझे शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छा था, लाइक कीजिएगा, ट्रेलर अच्छा लगा हो, उसके बारे में कुछ शेयर करना हो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मत भूलिएगा कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, वरना इतनी बड़ी यूट्यूब की दुनिया में आप मुझे कहाँ से ढूंढते फिरेंगे। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू वॉचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।